दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इंडिया टीवी डिजिटल के स्पेशल प्रस्तुति कमल नंदलाल का भविष्यफल। इस भविष्यफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सिंपल से उपाय, पंचांग बताएंगे और भविष्यफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यफल की पंचांग के साथ। तो दिन है सोमवार का, तारीख 7 अगस्त 2023, श्रावण अधिक कृष्ण सप्तमी पर चंद्रमा मेष राशि और अश्वनी नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ दिशा रहेगी नैऋत्य, राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक, भद्रा रहेगी सुबह 5:46 से लेकर के शाम को 4:41 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 4:41 से लेकर शाम में 7:15 तक। और विशेष क्या है, सावन का सोमवार है, ऐसे में देवाधिदेव महादेव के विशेष पूजन का विधान है और हमारा स्पेशल उपाय भी इसी के साथ ही संबंधित है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अभी शुरुआत करेंगे राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ। मेष, नौकरी में तरक्की मिलने के योग हैं, शिक्षक छात्रों को पूरा सहयोग देंगे, परिवार में आनंद रहेगा, जीवन साथी से मन की बातें साझा करेंगे, उपाय ये करेंगे पानी में शक्कर मिलाकर तुलसी पर चढ़ाएं। वृष, कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी, नौकरी लगने के योग हैं, माता पिता का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत रसिक रहेगा, उपाय ये करेंगे घर की उत्तर पश्चिम दिशा में दीपक करें। मिथुन, सफलता के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, घरेलू मांग पूरी करने में हाथ तंग रहेगा, दोस्तों से मदद मिलेगी, दाम्पत्य में मजबूती आएगी, उपाय ये करेंगे धर्म स्थल में शक्कर चढ़ाएं। कर्क, काम में विस्तार के नए तरीके सूझेंगे, रिश्तेदारों से कारोबार को लेकर राय मशवरा लेंगे, छात्रों के भविष्य की उनको चिंता रहेगी, उपाय ये करेंगे मैदा का दान करें। सिंह, कारोबारी सफलता मिलेगी, विदेश में पढ़ रहे छात्र सफल रहेंगे, कार्य सफल होंगे, दाम्पत्य में प्रेम बढ़ेगा, प्रेमी से मुलाकात होगी, उपाय ये करेंगे किसी गरीब को शक्कर दान करें। कन्या, कारोबार में सफलता मिलेगी, छात्रों का प्रदर्शन ठीक रहेगा, दोस्तों के साथ में पार्टी करेंगे, जीवन साथी कामकाज में सहयोग देगा, उपाय ये करेंगे पूजा घर में चंदन के सुगंधित धूप जलाएं। तुला, खानपान पर पूरा ध्यान दें, साझेदार पर नजर बनाए रखें, कारोबार में दिक्कतें आएंगी, जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें, उपाय ये करेंगे किसी पेड़ को पानी से सींचें। वृश्चिक, तरक्की के मौके मिलेंगे, जीवन साथी से भरपूर प्रेम मिलेगा, बच्चों का उससे प्यार मिलेगा, माता पिता से आशीर्वाद मिलेगा, उपाय ये करेंगे धर्मस्थल में चावल दान करें। धनु, कामकाज में दबाव बना रहेगा, ज़्यादा व्यस्तता रहेगी, परिवार के लिए समय निकालना कठिन होगा, व्यवहार अपना ठीक रखें, उपाय ये करें कि तुलसी पर चंदन से धूप करें। मकर, कारोबारी यात्रा के योग हैं, जीवन साथी और बच्चों के साथ में बाहर घूमने फिरने जाएंगे, मन में नई ताजगी रहेगी, सेहत हालांकि ठीक रहेगी, उपाय ये करेंगे दैनिक पूजा में सफ़ेद फूल चढ़ाएं। कुंभ, जीवन शैली में सकारात्मकता के लिए बदलाव लाएंगे, लिए हुए फैसले तरक्की में अहम भूमिका अदा करेंगे, सारे कामकाज पूरे होंगे, उपाय ये करें कि पूजा घर में शुद्ध घी का दीपक करें। मीन, रिश्तों को संभालने का प्रयास करेंगे, छात्रों को नया करने का कुछ मौका मिलेगा, सेहत बेहतर बनी रहेगी, तरक्की के मौके मिलेंगे, उपाय ये करेंगे इच्छा अनुसार खीर खाएं। तो दोस्तों समय आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो मानसिक समस्या से आपको मुक्ति दिलवाएगा। देखिए अधिमास श्रावण का सोमवार है और ऐसे में देवाधिदेव महादेव यानी कि शिवलिंग के पूजन का विधान है, तो क्या करें, मानसिक समस्या से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग का पूजन करें और दूध में अपनी छाया देखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम सोमाधाराय नमः, आश्वस्त करता हूँ मानसिक समस्या से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।